सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट DSLR कैमरा मोबाइल अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर 108 मेगापिक्सल का OIS वाला 4K रिकॉर्डिंग कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 67 वाट फास्ट चार्जिंग, और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 15,000 के अंदर। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले है, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है, और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच OS 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो था इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस
आता है। दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छे लगे इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67 वाट की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी UI 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बहुत अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको M6 प्लस। तो दोस्तों इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो एक काफी प्रीमियम सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक डिजाइन। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, और इसके साथ साथ इस डिवाइस की जो वेट है वो 205 ग्राम होने वाले है। तो डिवाइस थोड़ा सा हैवी है, पर यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है, तो काफी प्रीमियम सा एक लुक देगा, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल एचडी प्लस लार्ज डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट में काफी कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस मिलेगा। तो ब्राइटनेस के मामले में ये डिवाइस थोड़ा सा पीछे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 1080x2460 पिक्सल रेजोल्यूशन। ग्लास की प्रोटेक्शन पे इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा पीछे है, पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों कहने को तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पर उससे 2K या फिर 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो गए इसके कैमरा के फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4Gen 2 AE 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, और इसके एंटूटू स्कोर
4 लाख के ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा और पावरफुल सा एक डिवाइस है, इस पे आप गेम भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। रैम रोम पे आपको यहाँ पे दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 5030mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। इस डिवाइस के अदर फीचर की बात करें तो सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, NFC नहीं मिलेगा और ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों डिवाइस फीचर काफी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इस डिवाइस के आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, 6GB 128GB जिसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 12,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Moto G64, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक होगा और डिवाइस की वेट 192 ग्राम होने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है। तो दोस्तों मोटोरोला की सभी डिवाइस की जो लुक एंड डिजाइन है वो एक जैसा ही होता है, यहाँ पे भी आपको सेम लुक एंड डिजाइन मिलने वाला। तो नेक्स्ट बात किया जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 85.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 14,000 की मोबाइल में आपको OIS की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ इस डिवाइस पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अदर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी बात किया जाए फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। और दोस्तों बात किया जाए कैमरा क्वालिटी की, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी डिसेंट सा फोटो और वीडियो क्वालिटी निकल के दे देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे इंडिया का फर्स्ट एक न्यू चिपसेट यूज होने वाला है, जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर, जो 6nm पे बेस है। ये इंडिया की फर्स्ट इस डिवाइस पे ही यूज होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो इस डिवाइस की आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB और जो सेकेंड वेरिएंट वो होगा 12GB 256GB। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 6000mAh का लार्ज बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज सिर्फ 33 मिनट पे होने वाले। तो इस प्राइस पॉइंट पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो गया इसके मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले, 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले और एंड्रॉइड 15 तक अपडेट इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, जहाँ पे आपको 14 5G बैंड मिलने वाला है। तो इंडिया पे अवेलेबल सभी 5G बैंड को ये सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस बैंड 8GB 128GB वाला बैंड है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 15,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के अंदर आ जाता है। वही पे बात किया जाए 12GB 256GB का, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद वो भी 15,000 के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी ब्रांड को बाय कर सकते हो।
तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9X जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी 5.1 की हिसाब से काफी शानदार है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ी मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात किया जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो डिवाइस काफी पावरफुल है। यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जिसके एंथ्रेड स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज एक काफी तगड़े डिवाइस है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग, जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात ये है, इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 ब्रांड मिलेगा। जहाँ पे बेस ब्रांड 4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000, जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की बात इसकी जो बेस ब्रांड उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ दो अदर ब्रांड मिलेगा, जहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस 14,500 है, 8GB 128GB का प्राइस 16,000 है। वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाए।